हाउ टू लुक लाइक। कोहली, ए कोहली तो कोहली, आप विराट कोहली की तरह लगना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है विराट कोहली, आप उनको एज इंस्पिरेशन देखते हैं और आप चाहते हैं आप भी उनकी तरह दिखें, आप भी उनकी तरह लगें, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ये कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर विराट कोहली की बॉडी, विराट कोहली के फेस, बियर्ड और हेयर स्टाइल, और फिर विराट कोहली के फैशन सीक्रेट्स, विराट कोहली की फैशन सेंस और विराट कोहली की क्लोथिंग के बारे में। तो ये तीन सेगमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार, ताकि आप विराट कोहली की तरह लग पाएँ, उनके फैशन सीक्रेट जान पाएँ, उनके हेयर स्टाइलिंग और ये सब भी जान पाएँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ जो आपको बेटर दिखा सकता है, बेटर फील करा सकता है यार। और अगर आपका कोई और ऐसा सेलिब्रिटी है जिस पर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता देना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हो फैश मैनिक्स, मेरा नाम है सवराज, आप देख रहे हो सवराज लाइफस्टाइल, और विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली के बात करते हुए हम पहले चालू करेंगे उनकी बॉडी से। बात करते हुए विराट कोहली की बॉडी के बारे में, सबसे पहले तो विराट कोहली की बॉडी अगर आप देखोगे तो टाइम बाय टाइम बेटर होती ही जा रही है, अभी भी उन्होंने प्लेटू हिट नहीं किया है, टाइम बाय टाइम वो बेटर होते रहे हैं। और जब आप देखोगे उनके पहले की पिक्चर्स, तो उनकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा चबी थी और स्किनी फैट के अंदर भी आप उनको गिन सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक है। तो मेन है उनकी एथलेटिक बॉडी ना, एथलेटिक बॉडी उनकी जो बॉडी है वो अटेनेबल है, मतलब आप भी वैसी बॉडी पा सकते हो अगर आप 2-3 साल आराम से जो है फिटनेस के अंदर डालो, तो आप भी उनकी जैसी बॉडी पा सकते हो ना। उनके मसल्स जो हैं बाइसेप के, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो हुए हैं, शायद आपके बाइसेप के मसल इतने ग्रो ना हो पाए, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन बाकी उनकी पूरी बॉडी देखें तो अटेनेबल बॉडी है, नेचुरल है और अटेनेबल है। तो यार आप भी, मैं कहूँगा जिम जाना चालू करो और उनकी जैसी बॉडी आप भी बना सकते हो ना। उनकी बॉडी के अंदर मेन चीज़ है कोर एक्सरसाइजेज, क्योंकि बैट्समैन है, उनको कोर का बहुत काम होता है, तो उनका कोर बहुत स्ट्रांग है, तो कोर एक्सरसाइजेज और साथ में उनकी बहुत सारी जो है लेग्स और रनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि लेग्स उनको स्ट्रांग चाहिए, तो लेग्स की एक्सरसाइज भी काफ़ी करते हैं, रनिंग एक्सरसाइज काफ़ी करते हैं, और साथ में उनकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी होती हैं, ताकि उनका बॉडी का बैलेंस अच्छा रहे, ताकि वो अच्छे से बैटिंग कर पाएँ। और साथ में उनका कार्डियो भी बहुत होता ही है, क्योंकि मतलब जब क्रिकेट खेल रहे हैं तब उनको काफ़ी ज़्यादा भागना पड़ता है, तो उनका कार्डियो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। तो अगर आप उनका पूरा का पूरा जो है ये फॉलो करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल जिमिंग करो, थोड़ा सा कार्डियो करो, और आप एक अटेनेबल एक अच्छी बॉडी बना लोगे कुछ टाइम के अंदर। बट अब बात करते हुए फेस, हेयर स्टाइल और बियर्ड के बारे में ना, फेस की बात करें, उनका फेस स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है अगर हम ध्यान से देखें ना। पहले तो उनका और भी ख़राब था, लेकिन उन्होंने वेट लॉस किया जिसकी वजह से उनका फेस स्ट्रक्चर बेटर हो गया, लेकिन अभी भी उतना बढ़िया फेस स्ट्रक्चर नहीं है जितना दूसरे सेलिब्रिटीज़ का है, हम कह सकते हैं। मतलब वो यार क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर के हिसाब से तो अभी वो सबसे ज़्यादा हैंडसम क्रिकेटर्स में हैं। बट बात करें उनके फेस स्ट्रक्चर कैसे अच्छा लगता है, तो यार बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनकी बियर्ड, दोनों जो है उनके फेस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करती है, और दोनों उनके फेस स्ट्रक्चर को बेटर बनाने में मदद करती है। तो अब अगर आप उनका हेयर स्टाइल देखोगे तो उनका हेयर स्टाइल है फेडेड, जिसकी वजह से उनकी जॉ लाइन शार्प लगती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जॉ लाइन शार्प लगे, तो आप देखो कि कोई फेड हेयर स्टाइल या अंडरकट हेयर स्टाइल की तरफ आप जा पाओ जो आपके फेस को भी सूट करे ना। मैंने फेस स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाया, वो जाकर देख सकते हो। बट अब बात करते हो उनकी बियर्ड की, तो बियर्ड के अंदर जो है आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी थिक है, और यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिम्ड है, तो वो भी एक जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया है, तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सही लगता है उनके फेस पे, उनकी बियर्ड की वजह से, उनकी हेयर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा सही फेस लगता है। तो इनसे आप ये सीख सकते हो कि यार बहुत अच्छा जो है फेस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेस में थोड़ी सी अगर कमियां भी होंगी तो आप उसको पूरा कर सकते हो अगर आप दिमाग से अपना हेयर स्टाइल चूज़ करो, आपके ग्लासेस चूज़ करो, अगर आप अपनी बियर्ड दिमाग से चूज़ करो। तो अब बात करते हैं उनके फैशन के बारे में, तो क्रिकेट तो कब से खेल रहे हैं, लेकिन फैशन में उन्होंने ना अभी खेलना चालू किया, मतलब अभी उन्होंने जो है प्ले करना चालू किया, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना चालू किया है। अगर हम कुछ साल पहले का फैशन देखते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं हमारे पास बात करने के, मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमल चीज़ें पहनते थे, पर क्लासिक चीज़ें पहनते थे, कभी जो फैशन से बाहर ना जाएं, कभी जो किसी को ख़राब ना लगे, सब पे सूट हों और सबको अच्छी लगे, ऐसी चीज़ें पहनते थे। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा प्ले करना चालू किया, थोड़ी अलग अलग चीज़ों की तरफ जाना चालू किया है, अलग अलग लुक्स को ट्राई करना चालू किया, अलग अलग कलर्स को ट्राई करना चालू किया। इनसे आप ये सीख सकते हो कि यार हमें तो ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ऐसे स्टक नहीं रहना चाहिए। अगर हमें
अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ लगता है कि हम पे सूट होगा तो हमें उसको ट्राई करना चाहिए। कि हम स्टाइल की बात करें तो अभी भी ये बहुत ऐसे प्ले नहीं करते जैसे वही रणवीर सिंह है या फिर आयुष्मान खुराना की तरह, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा प्ले करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पहनते हैं जो थोड़ी ट्रेंडी होती हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं। इनको पता है इन पे क्या सूट होगा, ये किस हद तक जो है फंकी और क्वर्की कपड़े पहन सकते हैं और उससे हिसाब से चलते रहते हैं। अगर आप इनके फॉर्मल्स देखो तो फॉर्मल्स में ये काफ़ी पहले तो बहुत ज़्यादा प्लेन सिर्फ ब्लैक कलर ही पहनते थे, अब थोड़े अलग अलग कलर्स के अंदर भी इन्होंने जाना चालू किया है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दो तो फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहनते हैं, एकदम फिटिंग बढ़िया होती है लेकिन फिर भी कंफर्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि एकदम चिपक रहे हों कपड़े, पर फिटिंग होती है, फिटेड होते हैं। कैजुअल्स की बात करें तो कैजुअल के अंदर ये अलग अलग चीज़ें पहनना चालू किया है इन्होंने, अलग अलग जैकेट्स के साथ लेयरिंग करना चालू किया है जो पहले नहीं करते थे। अभी भी अपने बेसिक्स को भूले नहीं हैं, अभी भी वो बेसिक चीज़ें पहनते रहते हैं ताकि वो अच्छे लगे ना। बेसिक के अंदर न्यूट्रल कलर्स पहनते हैं, वो न्यूट्रल कलर्स आप देखो ऑलिव कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ब्राउन ब्लैक वाइट ये सब कलर्स पहनते हैं, ग्रे पहनते हैं, जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं जो सब पे अच्छे लगते हैं। चाहे आपका कोई भी जो है कह सकते हो आप फेस कलर हो या फिर स्किन कलर आपका कोई भी हो, आपका जैसा भी हेयर स्टाइल हो वो सब पे सूट होता है, तो ऐसे कलर्स पहनते हैं ना। और मैंने एक डार्क मैन पे पूरी सीरीज़ बनाई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो अगर आप डार्क मैन हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगता है तो ना। उनके कैजुअल कपड़ों की फिटिंग की बात करें तो बाइसेप पे जो है बहुत अच्छे से फिटेड होते हैं, जीन्स की भी फिटिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी टेपर्ड होती हैं और डेनिम जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे जहाँ वो डेनिम जीन्स पहनते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते ही हैं वो। लेकिन साथ में कुछ चीज़ बहुत पसंद करते हैं ब्लैक आउटफिट्स, जो टोटल ब्लैक आउटफिट्स होती हैं, टोटल वाइट आउटफिट्स होती हैं जिनको हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, वैसे आउटफिट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मोनोटोन्स और मोनोक्रोमेटिक वो आउटफिट होती हैं जो ब्लैक से वाइट कलर के अंदर ही होती हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट आउटफिट्स होती हैं, वैसे आउटफिट काफ़ी पहनना पसंद करते हैं वो। अब बात करते हैं उनके स्नीकर्स के बारे में, तो यार स्नीकर्स पहनना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर उनकी जो एक मेन आइटम है जो उनके फैशन के अंदर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है उनका वाइट स्नीकर, एक प्लेन वाइट स्नीकर। क्यों? क्योंकि यार प्लेन वाइट स्नीकर सबसे ज़्यादा वर्सटाइल आइटम है, आप कोई भी कपड़ों के साथ पेयर कर सकते हो, आप उसको सेमी फॉर्मली भी पहन सकते हो, और अगर आप उसको ठीक से पेयर कर रहे हो, ठीक बराबर चीज़ों के साथ पेयर कर रहे हो तो आप उसको फॉर्मली भी पहन सकते हो। एक ऐसी आइटम है एक प्लेन वाइट स्नीकर, तो एक प्लेन वाइट लेदर स्नीकर उनकी जो है फेवरेट जो है फैशन आइटम है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था। और इसकी वजह से उनकी एक खुद की वाइट स्नीकर्स की रेंज है प्यूमा के अंदर, तो प्यूमा 18 जो उनकी रेंज है उसके अंदर उनके देखोगे आप वाइट स्नीकर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वाइट स्नीकर्स उनको पसंद है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। बड़े तो अभी उनके पार्टनरशिप की बात हो गई जो प्यूमा के साथ, लेकिन पहले से अगर आप देखोगे तो पहले से ही वाइट स्नीकर वो काफ़ी ज़्यादा पहनते आ रहे हैं, तो इससे आप सीख सकते हो कि वाइट स्नीकर यार ले लो, सबसे ज़्यादा क्लासिक सबसे ज़्यादा सही आइटम है आपको खरीदने के लिए। साथ में अब हमने देखा कि वो फैशन में प्ले करते हैं लेकिन कभी भी वो अपने स्नीकर्स के साथ ज़्यादा प्ले करना पसंद नहीं करते हैं, स्नीकर के साथ थोड़ा ही प्ले करते हैं ना। उनका अगर आप फैशन देखो तो थोड़ा सा भी फंकी हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं कि ओवर द टॉप ना हो जाए, कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा क्वर्की ना हो जाए। तो फंकी थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा क्वर्की हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसे ओवर द टॉप नहीं जान देते, ऐसे इनटू द फेस जो फैशन बोलते हैं ना वैसा नहीं होता है। वो अपने आउटफिट्स को बैलेंस करना जो है पसंद करते हैं और अपने बैलेंस क्रिएट कैसे कर रहे हैं वो भी उनको आता है ना। अब हम उनकी बात करें उनकी एसेसरीज़ के बारे में जो बैलेंस क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो तीन एसेसरीज़ पहनते हैं। सबसे पहली है एक वॉच, जो यार एक मस्ट हैव आइटम है, आप सबको वॉचेस पहननी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बताती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बताती हैं। एक नॉर्मल मिनिमल चीज़ है जो आप आराम से अपनी आउटफिट में ऐड कर सकते हो, जो आउटफिट में एक और एलिमेंट ऐड कर देता है। और साथ में दूसरी चीज़ जो वो पहनना पसंद करते हैं वो है उनकी कैप्स, कैप्स पहनना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्रिकेटर हैं वो तो उनको काफ़ी बार ग्राउंड में रहना होता है तब तो वो कैप पहनते ही हैं, लेकिन आप उनको देखोगे काफ़ी अलग जगहों पे उन्होंने कैप पहनी होती है और प्लेन कैप्स होती हैं, कभी ऐसे डूड या डोप ऐसी सारी कैप्स जो है नहीं पहनते हैं, प्लेन कैप्स होती हैं, तो आप वैसे ही प्लेन कैप्स पहन सकते हो। लेकिन तीसरी आइटम जो वो पहनते हैं वो उनके ग्लासेस, उनके ग्लासेस भी आप देखोगे वो भी उनके फेस में जो है स्ट्रक्चर ऐड करने के हिसाब से ही पहनते हैं, इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो ग्लासेस भी उस तरीके से पहनते हैं ताकि फेस में थोड़ा और स्ट्रक्चर ऐड हो, फेस थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा और शार्प लगे, तो ये भी आप सीख सकते हो यार। तो यही था आज के वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को कर देना लाइक,
और आप कोई और ऐसे सेलिब्रिटी पे चाहते हो अपना वीडियो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।